बड़ी बात है कि एक तरफ तो ये आपके बुल बुले बुल बुले जो है सिखा दिया आपने दोनों को तो शर्म आनी चाहिए ये भी ट्रिब्यूट है ये भी मैंने किसी नहीं, को दिया था आपने चुबे सिखा दिया मेरी बीवी दस दफा तो चुबे मैं मैं बदतमीजी क्या हो रही देखिए दिस इज द बेस्ट एडजेक्टिव नहीं बेस्ट <laughs> और दूसरी शाह मजे के कैरेक्टर थे मैं तो जब तक वो करी इसी एक तो साबित हुआ कि आपके अंदर एक इंतहाई शरारती किस्म का इंसान मौजूद है इससे मुझे इनकार इस नहीं है उसमें वो जो तुम उसमें वो जो लड़का बनती <laughs> मुझे वो तो तुम्हें शक होने लग गया मैं <laughs> यार ये <कि> <laughs> करके दिखाना ना वो जो मर्द वाली आवाज थी अरे बहुत प्रोग्राम कर रहे हो यहाँ पे कहाँ बहुत कर रहा अभी थोड़ा सा ही शुरू हुआ है जानी। 50 50 में एक जोक आता था ना एक, एक साहब बैंक में जाते हैं तो एक ही बंदा मुख्तलिफ खिड़कियाँ खोलता है वो भंगी धोबी मासी ड्राइवर सब क्या ख्वाहिशात के मुझे मेरे नाप का लड़का नहीं मिला दुनिया बड़ी अजीब है है। इसमें हर किस्म का नाप मिल जाता है। इस तो पूरा बैठे फालतू फालतू और पाकिस्तान में मिलते मिला था मगर वो थोड़ी देर के बाद पता चलने चला मुझे तो नॉन दिलचस्प है आप भाई माशाल्लाह

वहीं जगह है जहां आम हाँ, बंदा नहीं पहुंच सकता। तुम लोगों का टेबल जया हो रहा है ये बहुत छुप के भागती है। हेलो हेलो वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ जिंदगी विद साजिद साजिद हसन जी मैं हसन और आप देख रहे हैं जिंदगी विद साजिद हसन दुनिया भर में तरक्की के हवाले से कुछ फलसफों की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं उनमें एक जो बहुत बड़ा बहुत बड़ा फलसफा है वो है वक्त की पाबंदी जापान में अगर आप दो मिनट ज्यादा देर कर दें तो अगली पार्टी उठ के चली जाती है बुरा मान जाते हैं वो कितनी देर से क्यों पाकिस्तान में वक्त की पाबंदी क्योंकि मैं करता हूँ इसीलिए दिल का मरीज हो बीमार हो तो क्योंकि वक्त की पाबंदी पाकिस्तान को शायद अभी तक पता नहीं है क्या ज़रूरत है उसकी बिल्कुल ज़रूरत है और दूसरी चीज़ जिसको पाकिस्तान की शदुद जरूरत है वो है हैप्पी मनी मैंने एक किताब पढ़ी हैप्पी मनी बहुत कमाल आदमी ने लिखी होंडा नाम है उनका जापान की तरक्की उन्होंने कहा इस वजह से हुई कि वहाँ जब आप किसी को किसी का मेहनताना देते हैं पैसे देते हैं कोई पेमेंट देते हैं तो खुश होकर जल्दी देते हैं ताकि वो पैसा जो है वो ख़ुशी से आगे बढ़े और देखिए वहाँ ना लोग कर्ज़ा लेना पसंद करते हैं बैंक पागल हो जाता है कर्जा तो आपके यहाँ पक्या है उल्टा हम पागल हो जाते हैं कर्ज़ा लेने के चक्कर में कर्जा नहीं मिलता ज़िल्ल काफ़ी मिलती है खैर छोड़िए इन बातों को आज आपकी जो मुलाकात करवानी है वो तारीख़ साज है एक ऐसी खातूं जिसने टैलेंट की वजह से अब पाकिस्तान इस वक्त बहुत महजूज़ होता है हमें बड़ी फ़खर से ये कहना पड़ता है कि ये एक ऐसा कमीडियन एक्टर थिंकिंग एक्टर और क्रिटिकल एक्टर सारा मिला के इसमें वो टैलेंट मौजूद है जो किसी भी बड़े अदाकार में होना चाहिए आपकी समझ गए होंगे पता चल गया होगा आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं किसी और की नहीं एक ही है हिना दिल what a, what a so आई आपको आपका इंटरव्यू शुरू करें

ये आप कसर नफसी से काम नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल है नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि एक... यार जो क्यामत खेज टैलेंट आपके अंदर मौजूद है माफ कीजिएगा वो कम ही देखा गया <laughs> मैं अभी गुशान साहिल का भी एक जमाने में फोन आया मुझे तो हम आपकी के टैलेंट की बात कर रही थी एक सीरियल में जितने किरदार हिना ने कर दिए हैं हमने सारी जिंदगी नहीं इतने वो हमेशा अप्रिशिएट करती हैं मुझे सो स्वीट ऑफ हर और नहीं दैट्स ट्रू ना कहीं ना कहीं तो एक जगह आपको ये करना पड़ता है अपने ऊपर एतमाद हो अपने आप को ही ना आप माने तो फिर बड़ा अदाकार कैसे बनेगा तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कहाँ प्लेस करती चलें सच सच बताएं अपने बारे में थोड़ा सा खुद ही बताएँगे अपने आप को एनालाइज करें तो क्या आपके अपने बारे आ, में मैं ये नहीं कहती कि कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ मैं नहीं ये एक मेरा समझ लें कि एक आ, आ, अंदर का जॉय है वो कि जो लिखा हुआ कैरेक्टर है अगर वो बहुत मज़े का लिखा होता है तो मेरे दिल चाहता है इसको इसी तरह किया जाए तो अच्छा है बस इतना शौक़ है उसके अलावा वो कैसा हुआ या बहुत ही टहलका मच गया इससे बिल्कुल नजरे मैंने यूं की भी है। बड़ी बात है कि एक तरफ तो ये आपके चल चुबे। मैं, मैं क्या हो रही। नहीं, <laughs> नहीं, इसमें काफी जिल्लत का अगले को ऐसा होता है आपको तो नहीं होगा लेकिन जिसको आप चुभे कह रही है वो बेबी आया

He is brilliant, no doubt. हमारी जो ऑडियंस है पाकिस्तानी स्पेशली वो एक खास तरह की है उसके बारे में बहुत सारे जो आपके प्रोग्रामर्स है वो कहते हैं सर यही दिखाएं बस नहीं, ऐसा नहीं, है। नहीं आप झूठ ना बोले लेकिन उनकी बात सुने आपको क्या है वो सही कहते हैं वो कहती पाकिस्तानियों को खुश रखो बाहर का कंटेंट जो है ना वो देखते रहो लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यही यही बात है मैं आवाम के साथ हूँ इस मामले में उनको चाहिए अच्छी चीज़ देखना वो चाहते हैं अच्छी चीज़ अप्रिशिएट करना चाहते हैं क्यों आपने याद नहीं बदलते कालिब आज तक मैं देखती हूँ वो ड्रामा आपका okay. क्यों देखती हूँ

अकेले चैलेंज लीड है आपका चैलेंज नहीं यार उसमें वो जो तुम उसमें वो जो लड़का बनती हो <laughs> मुझ पे, पे तो तुम्हें शक होने लग गया मैं गया यार ये देख <laughs> करके दिखाना वो जो मर्द वाली आवाज थी मर्द वाली वो जो लड़का नहीं बनती होगा क्या कर रहा वो कौन कौन क्या था वो साले बहुत प्रोग्राम कर रहे हो यहाँ पे कहा बहुत कर रहा हूँ अभी थोड़ा सा ही शुरू है जी अब आप माशाला इतनी आ, बड़े मतलब तो ये कहना बिल्कुल गैर मुनासिब नहीं होगा कि इस वक्त बच्चा बच्चा जिंदगी आसान हो गई है इसकी मेरे ख्याल मल्टीप्लाई होती है तो जिंदगी आसान ही होती नहीं है।, नहीं, तंग भी हो जाती है नहीं नहीं ऐसे नहीं है अभी तक तंग नहीं आई है नहीं वो बाहर निकलती है पच्चीस लोग पीछे लग जाते किसी को पता ही नहीं चलता कौन जा रहा है क्योंकि झूठ क्यों बोल रही कि तुमने इसके बीच में से ढूंढ लिया एक तरीका हाँ भाई मुझे बहुत मजा आता है कोई और जिंदगी जीने में थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत मजा आता है टाइप हो आप। हर जो कपड़े अच्छे पहने याश है जो यहाँ खाना अच्छा खाया है याश है फिर अच्छी देख याश है और अगर गलती से हो तो रहा है सिगरेट पीले तो याश मान रही है खावती नजरात <laughs> पूरे दुनिया में फैला दीजिए सुर्खियां फैला नहीं, नहीं ये प्रोग्राम में ना? हिना दल के जी ने बिल्कुल साफ साफ कह हुआ हुए आशे <laughs> इस बात पे एक छोटी सी ब्रेक <laughs> लेंगे <Controversial. में> <laughs> कहीं मत जाइएगा प्लीज आई बी ऑन कम बैक थैंक यू

चुभे हाँ. इसी तरह कुरदूसी <laughs> साहब तो बंद हो गया जी क्योंकि फसी बारी खान के अंदर की जो शरारत थी वो खत्म ही हो गई दो चार लोग तो नहीं खत्म नहीं हुई

देखा जाता है कई तरह कई चीज़ों को उसमें उसका बड़ा मजाक था लेकिन उनको बड़े आम लोगों की तरह पेश किया गया ये मुझे बहुत अच्छी लगी बात हाँ। उनकी जिंदगियों के बारे में भी किया हाँ। इससे चेंज आएगा तुम्हारे ख्याल से हमारी जिंदगी में कि हम भी खुले हम भी इंसान को इंसान की तरह देखने लगे देखें ये कॉन्स्टेंटली अगर ऐसी चीजें प्रोजेक्ट की जाए दिखाई जाए तो शायद इंसान अपने आप से सच बोलने लगे खुतिन के हवाले से आप बताएं कि इस वक्त फीमेल परफॉर्मर पाकिस्तान की सफ़े अवल की खातून इतनी बड़ी स्ट्रगल आप यहाँ करके आई हैं क्या क्या देखती हैं आप खुतिन के हवाले से हमें अच्छी चीजें करनी चाहिए जिसकी वजह से माहौल खुले खातन को अच्छा सांस देने का मौका मिले उनको पढ़ाई हो क्या किस तरह से चेंज ले ये है? तो मेरे ख्याल से हर जगह ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है कि पढ़ने लिखने की आज़ादी बात करने की आज़ादी लेकिन ये जो एक ख़ास वो हो जाता है ना कि ख़वान को ये नहीं दिया जा पहले तो अपने आप को पहचानना ज़रूरी है हु यू आर आप क्या करना चाहती हैं हर एक को एक्टर बनना है एक्टर सब नहीं हो सकता हर एक को बनना है लेकिन मौके हैं मौके नहीं है ये हर जगह ये गेट बंद है कोई अगर आपसे भी लोग कहते होंगे कि हम टीवी में कैसे जाएं तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता होगा मेरे पास नहीं होता मेरे पास भी नहीं होता इसका तो पहचानना जरूरी है सिस्टम्स भी तो नहीं बना सके आप कैसे निकल के आए आप बताए ना कि अपने स्ट्रगल किस तरह से मैं तो अपना एक ट्रांसलेशन देने गई थी शाहिद शिफात को शद्दी बहुत अच्छे हमारे दोस्त उनका एक ड्रामा था उसमें एक कैरेक्टर था जिसमें एक नौकरानी थी उसने कहा तुम कर लो मैंने कहा मैं कैसे कर लूँ खैर फिर वो आ, उसको वैसे किया गया साड़ी वाड़ी बांध के बंगाली नौकरानी वो बहुत अच्छा हुआ फसी ने देखा फसी ने कहा मैंने तो ये लिखा ही नहीं था कैरेक्टर वो ड्रामा था बबल फसी का उसमें सानिया भी थी और जो फसी ने जब वो देखा क्लिप तो उन्होंने कहा मुझे तो अपनी बंस रोड की नीलोफर के लिए ये ख़ातून चाहिए इतने इस तरह से शुरू हुआ लेकिन आप ये देखें ना कि जिस इस मकाम पर पहुंचे जब आप ये काम कर रही थी उस वक्त एक 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 स्ट्रगल तो एक, एक ऐसी औरत की कि जिसके पास एक बच्चा है इसकी शादी अब टूट हाँ। ये कर रही थी कि मैं नौकरियां ढूंढ रही थी मुझे कहीं से नौकरी का जवाब हाँ। नहीं आता है

पापा बहुत उनसे उन्होंने इंटेग्रिटी सिखाई उन्होंने ईमानदारी सिखाई जो काम नहीं आती है। अब नहीं अब क्या फायदा इस दुनिया में ईमानदारी नहीं नहीं ऐसे छोड़े छोड़े ना दिल पे जी, दिल दुखाने की बातें ना करें दिल दुख क्या, इस, आप समझती हैं कि इस दौर में जिसमें मेरे तो बहुत काम आती है है? मुझे जो इतना ना, बड़े नाम मिला जो पजीराई मिली मेरे ख्याल से उसमें सबसे बड़ा हाथ ये है कि आ, मैं अपनी लाइंस पे ही काम करती रही मैंने इधर-उधर नहीं देखा सबर से काम लिया सबर से और अपनी फोकस होकर अपना काम किया तो अपने अपना घर बना लिया माशाल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है अमीर हो गई हैं आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बस जिंदगी अच्छी गुजर रही है यही लोग कहते थे हमारे साथ तो पूछते हैं कि आप तो साजी साहब के

आगे और क्या बड़ी गाड़ी आ, बस एक मुनासिब गाड़ी जो रास्ते में रुके ना <laughs> ब्रांड न्यू गाड़ी नई वाली ज्वेलरी का ज्वेलरी बहुत ज्यादा शौक नहीं है लेकिन आज है तो अच्छा है नहीं मतलब बहुत एक्स्ट्रा लगता है मुझे ज्वेलरी बच्चे को अकेले पाला अकेले पाला बिल्कुल अकेले हाँ फैमिली भी थी मेरी नहीं साथ तो उसका जो उनका जो वाले थे उन्होंने कभी कोई

कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ खुदा की कसम आप देखें कि एक आदमी आपको ऐसा ऐसा किरदार निभा रहा है आपके सामने कि आप सब कुछ भूल के उसको देखने लग जाते हैं फिर अपने अपने घर की यादें अपनी चीज़ें प्रॉब्लम्स अपनी सब चीज़ वो सब भूल के आप देखने लग जाते हैं ये बड़ी बात है और हिना के अंदर वो टैलेंट मौजूद है कि छोटे से स्क्रीन पे इन्होंने उस तरीके से जादू चलाया है कि आज हर बच्चा बच्चा आपका गर्विदा है ये कमाल है अब आप आ जाएं वापस स्ट्रगल पे हम बात कर रहे थे तो मियाँ ने आपको छोड़ा उसकी जो वजुहत होगी वो भी बताती चले अब याद करते क्योंकि अब तो बहुत पुरानी बात हो गई तो हो गया अब याद भी नहीं होगा किस बात पर है ना बिल्कुल लेकिन शदीद हुआ कि बच्चे के होने के बावजूद अल्लाह मोहब्बत की शादी नहीं थी तो फिर तो, तो तुम्हारा अपना ही कसूर हुआ ना अम्मा अम्मा ने कहा खुद करो शादियाँ है।, है नहीं नहीं ऐसा के? मेरे अम्मा अब्बा ऐसे लोग हैं नहीं नहीं उन्होंने आप... वो आप, वो हमेशा साथ खड़े रहे हमेशा और अब भी उन्होंने नहीं जाते हुए कहा इसलिए नहीं था अच्छा अच्छी बात है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन वो जो स्ट्रगल है अकेला बच्चों को पालने की हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मजे की स्ट्रगल थी और आई हैव बीन थ्रू दैट ये मुझे बड़ी अचीवमेंट लगती है एंड आई एम हैप्पी तो बच्चे के साथ कैसे गुजारा बस खुद ही स्कूल छोड़ा खुद ही गए खुद ही किया खुद ही पढ़ाया हां एक एक वक्त में साथ रहे ये रहा वो बहुत 50 50 में एक जोक आता था ना एक एक साहब बैंक में जाते हैं तो एक ही बंदा मुख्तलिफ खिड़कियां खोलता है वो भंगी धोबी मासी ड्राइवर सब ज़िंदगी के स्ट्रगल के बाद अब तो बहुत कम इतने खुशनसीब हैं जितनी आप हैं माशा कि अलमियाँ नहीं चले इतनी मुश्किल से निकले लेकिन अब आप एक जगह पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उस जगह को अब आप कहाँ ले कर जाना चाहती हैं ये ज़रा बताएँ क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल प्लीज नहीं, नहीं, कोई और कुछ करना नहीं, नहीं, नहीं कोई कभी करना मैंने सोचा भी नहीं था कोई लाजवाल तोप मारने की नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या ख्वाहिशात है चले पहले अब बता दें क्या ख्वाहिशात क्या है बस जॉय में रहना बच्चे की शादी हो गई है तुमने शादी करनी है मुझे मेरे नाप का लड़का नहीं मिला जानिए दुनिया बड़ी अजीब है इसमें हर किस्म का नाप मिल जाता है और हर किस्म का जू ही आप कहेंगी ना अगले दिन हाँ हो जाएगी

ये, ये भी तो होने लगा ना तुम जैसी जांचने लगी है न सिर्फ तजुर्बा बड़ी अदा और बहुत बड़े आप क्यूँकी अदाकार को पहले फलसफी भी होना चाहिए कही न कही ये मानती है आपता है कही अपने अंदर होना चाहिए ना तो अगर मैं आपसे पूछूंगी मर्द की बारे में हिना दिल पजीर के क्या ख्याल हैं क्या हैं मुझे बिल्कुल नफरत नहीं है मर्द की जात से और ना मैं उनके अगेंस्ट खड़ी हुई हूँ मैं मर्द या औरत ये दो तकसीस नहीं है मेरे ये तो बड़ी अजीब बात करी आप ये नहीं है इसका मतलब है नहीं मुझे लगता है जेंडर्स का फर्क <coughs> हटा के अगर आप इंडिविजुअल्स को देखेंगे तो आपको ज़्यादा किसी के बारे में पता चल लेकिन आप ये तो माने कि पाकिस्तान में जरा मर्दानियत के हवाले से कुछ खराबियाँ ज्यादा हैं Uh, मुझे अब तो नहीं नजर आती नहीं? तो मेरी रास्ते में तो कभी भी नहीं आई है, ऐसा कोई ना करे बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। आप एक नॉर्मल सी कहीं जिसके साथ तो ना कहीं होती होगी जैसे मुल्क में हुई वो आवाज उठाए जरूर उसका हक है बोलने का अच्छी आ, आ, मतलब आप बुरा क्यों कहना चाहते हैं मतलब मैं को? तो भी कुछ आपसे पूछ रहा हूँ आप अच्छा भाई। <laughs> आप खुदा का देखिए अच्छा आप हाँ, <laughs> आपके स्टेटमेंट पे कोई यकीन नहीं आ रहा यकीन करें, ना करें। है ना हाँ, मैं बजिफ नहीं हूँ इस बात पे क्या कहीं ना कहीं मर्द औरत को एक दूसरे की जरूरत है ये तो माने बिल्कुल होती है कंपेनियनशिप की जरूरत तो आगे हिना की शादी का कहीं लग रहा है कि वो भाई हिना की शादी इतना बड़ा नहीं शादी नहीं है। ना भी सही यार, दोस्तियां <laughs> है चलें। इतना बड़ा मम्मा नहीं है अगर हो जाएगी तो हो जाएगी नहीं होगी तो

असल जो कामयाबी है वो किसकी वजह से कोई एक वजह नहीं है कोई एक वजह नहीं है देखिए मुझे ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर एक दूसरे की एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट करता है महमूद हसन कैसा आदमी है बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे स्वीट ही। हार्ट और एक दिल फेंक मर नहीं दिल फेंक नहीं है झूठ मत खुदा की कसम दिल फेंक मैं गवाही देने को तैयार हूं मैं 12 साल जिस तरह इस आदमी के साथ मैंने गुज़ारे <laughs> कोई नहीं गुजार सकता अच्छा था। लेकिन ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन हाउ अमेजिंग कि आप उनके इतने सालों के बाद तो बहुत ही अच्छा आदमी है महमूद बहुत अच्छे महमूद महमूद एंड मैंने उनसे बहुत सीखा है ने? उनकी एक्टिंग का स्टाइल पसंद बहुत, है आपको बहुत हैं बहुत वेरी गुड और क्या अच्छी बातें बुलबुले में हां बुलबुल में अच्छी बातें आयशा है बुल में नबील है बुल में हम जब चारों साथ होते हैं तो हमारी एनर्जी बड़ी अच्छी होती है नहीं हुई अभी तक आप चारों की इख्तलाफ हुआ है। मगर है नहीं कभी कभी कोई पॉइंट नहीं वो तो आदमी दोस्तों के साथ हाँ, भी होता है लेकिन मजे तो... की बात यह कि ये ये दोस्ती कंपेनियनशिप ऐसी है कि इसमें सबसे ज्यादा जो मुकदम चीज है वो हम सब के आपस के ताल्लुकात है अभी तक टूटे नहीं नहीं काफी लोगों ने कोशिश की

क्या बातें पूछे हैं। सिर्फ अच्छी बातें करेंगी छोटा सा ब्रेक लेंगे खबर जिंदगी के अंदर की बातें पूछेंगे बड़ी पागे की खातून है और पाकिस्तान के कुछ सरकारी राज जो इंडिया से हम लड़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे और प्यूटन ने जो बात की है हैना दिल पजीर के बारे में उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक कहीं बार जाइएगा देख के

कई दफ़ा मकाम ऐसे आ जाते हैं कि आपको अपने बीच में लोग रुकावट रखना बहुत जरूरी होता है और खासतौर तो पर ख़्वीन को तो ये है ऐसा तो आजकल क्या क्या प्रोजेक्ट कर रही हो क्या फिल्म हो रही हो रही कौन सा ड्रामा कर रही हो क्या हो रहा है ये बुलबुलें जो है कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बुलबुलें कहीं एक अदद कैद भी है नहीं ये है। है, हर महीने के एक हफ़्ते में तो कहीं ये बुल बुलबुल इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं कि ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट मार्क बन जाए हालांकि मैं समझता हूँ क्या अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है फिर लेकिन लोग क्या सोचते हैं ये उस तरह मैं नहीं मेरे ख़्याल से मैं अलग तरीके से सोचती हूँ आप अलग तरीके से सोचते हैं आ, ये मैं इसमें फंस गई हूँ या कॉमेडी ये ये मेरी लाइंस नहीं है मुझे लगता है कि आ, और कुछ भी कभी भी कभी भी पॉप अप हो सकता है तो जस्ट गो विद द फ्लो सिर्फ जो जो काम हिस्से में आ रहा है उसे बड़ी ईमानदारी से करना है और एंजॉय करके करना है डू यू यू थिंक अनदर 10 20 12 15 20 इयर्स यू विल बी डूइंग इट मुझे नहीं पता मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है हो सकता है लेकिन अभी बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में मुझे हमेशा बुलबुलें करने में मज़ा आता है इसलिए कि जब आप महीने के बाद वहाँ से जाते हैं वहाँ जाते हैं और बिल्कुल इंसैन हरकतें होती हैं तो फैमिली की तरह जिस वक्त अगर कोई मिस हो जाए या आगे बढ़ जाए तो फिर क्रेविंग सी होती है कि ये कैरेक्टर करना है आयशा के साथ कैसे तल्लु लड़ाइया बड़ीट्यूडी लगी है आप बात nice. really? उस नहीं सुनती है जब वो आती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल बदल गया है ऐसा नहीं बेहतरीन चल रहा है काम मतलब आयशा के घर में रहती भी हूँ जाके जब बुलबुले होता है तो मैं आयशा के घर रहती हूँ एंड हम बहुत फ़न करते हैं बड़ा मज़ा आता है ये किस तरह से मुमकिन है कि बारह साल में किसी किस्म का कोई झगड़ा ही ना हो नहीं देखें ऐसा नहीं है नजरियाती इख्तलाफ होते हैं उस पर बहस भी हुई मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब सामने से चले जाओ मेरे नज़र ना आना मुझे अब तुम आ, मतलब बिल्कुल ही आप हुक्का पानी बंद कर दें किसी का नहीं Uh, इतना uh, इतना हक है सबका कि वो अपनी बात कह सके मगर शायद हम producer हम ही इज अ वंडरफुल प्रोड्यूसर अच्छा बारह साल हो गए हैं हाँ आज तक किसी ने कोई स्पॉट बॉय ने भी ये नहीं कहा कि नबील ने हमारे पैसे नहीं दिए आप बाकी प्रोड्यूसरों को भी थोड़ी शर्म करें आप लोग अजय अब आ जाए पॉलिटिक्स की तरफ आप जैसे लोग पॉलिटिक्स की तरफ जो है कुछ थोड़ी बहुत आ, नहीं यार ये क्या आप जितने भी फनकारों से मैं सवाल पूछता हूँ सब यही दो टका तक सा जवाब देते हैं देखिए बात सुने एक पॉलिटिक्स होती है पॉलिटिक्स कोई बुरा नहीं आ, वो है बल्कि ये तो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं लोग पॉलिटिकल साइंस और आर्टिस्ट सा, तो बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल होता है वैसे तो दुनिया में हर आदमी पॉलिटिकल एनिमल है लेकिन हम तो ज्यादा आपकी फील्ड में तो ज्यादा होना चाहिए मगर इतनी दुश्वारी इतने लोग आए गए फिर ये हुआ क्या प्रॉब्लम है आपके ख्याल से कि ये क्यों नहीं सर, पब्लिक के मसलों को एड्रेस करने के बजाय एक दूसरे की जो डेटा एक दूसरे को जो नीचे दिखाने का मारने का मुझे जो का... नहीं समझ में आता जब सबका मकसद पाकिस्तान की बका है तो ये इख्तलाफ क आप भी एक जगह के लिए काम करें, मैं भी एक जगह के लिए काम कर रही हूँ तो हम दोनों उसकी बेटरमेंट के लिए सोचेंगे ना कि एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, और फिर <laughs> मजे की बात यह कि इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स झूठ ये वो फिर आखिरकार जो आम लोग है वो तो हैं, हाँ, वो थक के बैठ जाते हैं कि बैठ था इस बार नहीं दिया मैं थी नहीं यहाँ पर अच्छा इस वजह से तो आप बाहर से भेज देती इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं उस वहाँ रात होती है जब यहाँ दिन अब कहीं ना आपको तो ये ऑप्शन आने वाला है किसी ना किसी लम्हे के कहीं ना अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप बाहर के मुल्क का एक पासपोर्ट हासिल कर सकें तो करें देखिए ये डिपेंड करता है मेरी सारी फैमिली मुल्क से बाहर है right. अब जाहिर है वो फैमिली मुझे चाहती है कि अब तुम यहाँ आ जाओ हमारे वो बड़ी प्रिविलेज सोसाइटी है यार अपने बच्चों के लिए उनके मुस्तबिल के लिए तो माइग्रेट करना कोई बुरी बात नहीं है आ, मेरी वालदा भी वहीं पर है अम्मी बहुत मुझे आ, दिल चाह रहा है उनसे आजकल मिलने का तो वो हमेशा मैं दुआ करती हूँ कि तुम आ जाओ मैं दुआ करती हूँ सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मैं जा सकती हूँ ले सकती हूँ पासपोर्ट कंटेंट पे आए है ना देखिए दुनिया भर में कैसा कैसा कंटेंट अब नेटफ्लिक्स ये ओ टी टी कैसे देखती हैं आने वाले वक्त में टेलीविजन और ड्रामा को डेवलप होते हुए इंटरनेशनली क्या हम उन स्टैंडर्ड्स को कभी छुएंगे भी कि जो इंटरनेशनली ज़रूरत होती है कहानियों के लिए उनकी डिपिक्शन के लिए इसमें भी कोई कमाल आता तुर्क जरूर आएगा तो, ना ही आए तो अच्छा कोई खुला का बंदा है जिसको थोड़ा सा होश हो कि दुनिया में क्या लिखा जा रहा है और आप क्या कर रहे हैं आज तक आज कल हमारे ड्रामों में आज का प्रॉब्लम जो एक आम इंसान को है वो एड्रेस नहीं किया जा रहा नहीं किया जा। बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा चाहे वो तालीम में हो चाहे वो जॉब्स में हो आपस के तो नए स्टूडेंट्स को आप ये जो बच्चे जिनको शौक है एक्टिंग का और जो आना चाहते हैं कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि किस डार्क एजेस में हम रह रहे हैं अभी तक हाँ लेकिन आपने देखे कितने नए आने वाले न्यू कमर्स बच्चों ने अपनी जगह बनाई यूट्यूब पे।, तो यू, पे वो वो तो एक ट्रांजिटरी चीज है ना ना यूट्यूब पे वो बंद भी जाएगा तो सारी जिंदगी का मसला उसका हल नहीं होगा वो बात आएगा कहीं ना कहीं लेकिन वो नजर तो आएगा यहाँ तो मौका ही नहीं है आप एक चांस तो दें जो नए आने वाले सिस्टम्स लोग नहीं बनाए अभी तक सिस्टम्स और हमने इवॉल्व नहीं किया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म के जिसकी वजह से exactly. टैलेंट को किसी तरह किया जाए तो ये हुँ. किस तरह से आप जैसे आप तो लोग लो नाकाम है इस मामले में <laughs> हमें तो नाकाम ही मिला था सब आप अदाकारों की कोई आपस में एका नहीं है और नहीं है आप एक दूसरे से नफरत करते हैं जेलस mm, है मुझे आप लोग है सामने आके नहींगोज आप लोगों की इतनी ज्यादा है आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते

आप उनकी स्पीच देख लें या उनका कुछ लिखा हुआ कोई चीज़ देख लें मैं तो बड़ी पुरुद हूँ उन नए लोगों से कि जो अब आके काम करना चाहते हैं वो अपने अपने रास्ते बना रहे हैं कौन कौन से ड्रामे देखती हैं मैं देखती पी, है, क्या देखती? पी टी के पुराने ड्रामे देखती हूँ मसलन कौन सा आपका फेवरेट आ, मुझे बदलते कालेब वो तो एक था यार अच्छा सुने तो इसकी उस्तानी आ, आए, क्या राहत की जबानी।, जबानी हाँ वो तो उसकी तो डायरेक्शन ऐसी कमाल है कि पहला ही सीन इतने कमाल डायरेक्टर्स हुआ करते थे बहुत अच्छा टाइम भी बड़ा होता था रिहर्स करने का कर टाइम मिलता था रीडिंग्स होती नहीं थी। वो इतनी बड़ी बात देखे अब ना तो कुछ भी नहीं होता आप लोगों का भी यही है ना कि उसी दिन मिलता है स्क्रिप्ट

पैसे लगे हुए मगर मसला उसमें यह था कि सिर्फ एक लड़के की शादी हाँ। के तू शादी कर ले, बस। भाई दिस इज़ नॉट मजे की, की जैसा तो ड्रामा बसाने की जैसा प्रोडक्शन की तरफ जाने कोई कोई कदम बढ़ रहे हैं आपके अभी नहीं अभी मैंने पकड़े हुए कदम बढ़ाने पैसे जमा कर सब कह रहे पैसे ले लो पैसे ले लो पैसे लेके

तुम्हारे प्लान्स ऐसे लग रहे हैं तुम्हें पैसे कमाने का शौक हो गया बहुत ज्यादा लग रहा है ऐसे भाई बात सुने मैं बता आप करोड़पति एक घटिया मर्द का क्या जरूरत है <laughs> उसको जरूरत होती है पैसे कमाने का तो वो तो तू कर रही है खुद सबसे अहम तुम जैसी स्ट्रांग औरतों को क्या जरूरत है शादी करनी मैं ये सोचती हूं क्यों क्यों करूं निकोश शर्म नहीं 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 फिर भी क्या पता कोई करोड़पति हो करोड़ पति शादी करने का पहले अगर ये हुआ एक मिनट अब तो हम बात कर रहे हैं भाई नाम दोस्त अगर ये करो एक मर्द आपके जिंदगी में आना है कौन हो कैसा टाइप का होगा पहले तो उसके पास कितने करोड़ रुपए हो भाई नहीं एक मिनट साफ साफ बताओ क्या सौ करोड़ से ऊपर की सामी या पचास करोड़ से नीचे एक बात सुने खाशात ख्वाहिशांत का इजहार हो रहा है देखिए इस वक्त पूरा मत बैठे देखे फालतू है और पाकिस्तान में फालतू मत बढ़े पहचान गया तो थोड़ा सा उर्दू भी बेहतर हो सारी और शायरी तो आनी समझ में आनी चाहिए शायरी भी आनी चाहिए जाए अख्तर कि शायर हो नहीं तोला जा क्योंकि शायरों में भी तो अच्छे बुरे होते हैं कि बुरे शायर से भी शादी मैं चूज तो... करूंगी बाद में कर <laughs> तो शायरी पसंद आए अजीब शायरी शायरी पे मुझे ख्याल आया आप जरा तो अच्छा अपना अच्छा बताएं कोई ऐसा शेर जो आपको पसंद हो लोगों को आप बताएं कि ताकि उनको पता चले कि आपका शगफ कैसा है आपका जहन कैसा है जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए जिंदगी इतनी गनीमत भी नहीं जिसके लिए कम जर्फ की हर बात गवारा कर लें कम जर्फ की हर बात गवारा कर लें इतनी भी जिल्लत नहीं है अच्छा ऐसे है थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज सच अ वंडरफुल प्लेजर आपने बहुत यू you नो know, एक तो बात ये है कि लोग से जानते नहीं कि जो आप जिस तरह की आप नज़र आती हैं बुलबुलें रियल लाइफ में तो आप माशाल्लाह कोई और ही चीज़ है शुक्रिया। तो ये जो लोग भुलेके में रह जाते हैं उनको बताना चाहता हो कि आम लाइफ में हाँ बच्चों के लिए ठीक है अलग बात है लेकिन ये बात तय है <laughs> कि हैना की ये जो शुरुआत है ये आगे के आने वाले वक्तों में मुझे लगता है कि लाजवाल दास्तानें लिखेंगे अच्छे ड्रामों की और अच्छी चीज़ों की हमें कम से कम ये डिमांड करनी चाहिए पीपल कि हम अच्छे कंटेंट अच्छे लोगों को बार बार देखें और हम जहाँ जहाँ इन्हें देखें उनको सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मच के इजाज़त चाहूँगा अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त